हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ की। और आपसे बात कर रही है आर्ट नेगी। तो हमारे फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ और दिवाली। इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तो आप भी मेरे साथ तैयार है ना तैयारी करने के लिए? एक्चुअली में मैं आपको बहुत सारी वीडियो सेंड करने वाली हूँ बॉडी स्क्रबिंग के बारे में, बॉडी पॉलिशिंग के बारे में, फेस के बारे में, हेयर के बारे में, ड्रेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, हम दिवाली की तैयारी कैसे करें, करवा चौथ की तैयारी कैसे करें, इन सब चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो है हमारी बॉडी स्क्रबिंग के बारे में, कि हम बॉडी को स्क्रब कैसे करें, अपनी बॉडी को ग्लोइंग वाइटनिंग कैसे बनाएं, ताकि हमें ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत ना पड़े, थोड़े से मेकअप में बहुत सारा काम चल जाए। तो चलते ही वीडियो की तरफ। इसमें हम लेंगे चावल का आटा। ये मेरा ऑरेंज पाउडर है जो मैंने घर पे बनाया है। इसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो मैं आपको बना दूंगी। ये है टर्मरिक हल्दी, कच्ची हल्दी। और ये है मेरा कॉलिन क्ले का डब्बा, मैं आपको पहले दिखाया था। ये कॉलिन क्ले, अगर आपको ये चाहिए तो ये इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और ये है मेरी दही। तो चावल का आटा, ऑरेंज पाउडर, हल्दी, ऑलिन क्ले और दही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नारियल तेल, पैरासूट ऑयल। गाइस, इसमें सबसे पहले लेंगे खाली बाउल, जिसमें मैं डालूंगी इसमें राइस पाउडर। 2 चम्मच मैंने इसमें राइस पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेरा ऑरेंज पाउडर, मैं इसमें ऑरेंज पाउडर 1 चम्मच डालूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें पिंच टाइप की हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है टर्मरिक इसमें, ये केवल हील करने के लिए है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कॉलिन क्ले। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गाइस, इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी दही है मैं उसको मिक्स करते हुए इसमें डालती रहूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, कोई भी, ये मेरा पेस्ट बहुत ही स्मूथली मेरा पेस्ट ये बने। और जो ये, या मैं इस दही के जगह में इसको स्किप करके इसमें मैं कच्चा दूध भी डाल सकती हूँ उसमें। और इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, धीरे धीरे मुझे दूध इसमें डालना है या दही इसमें डालनी है, उसको धीरे धीरे मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, ये पेस्ट जो है पूरी तरह से स्मूथ बने। और ये पेस्ट पूरी तरह से स्मूथ बनने के बाद ये पेस्ट मेरा लगाने के लिए मुझे तैयार हो गया। तो इसमें थोड़ा सा हाथ मिलूंगी और उसको मैं सर्कुलेशन मोशन पे पेस्ट में अपने हाथ पे लगाऊंगी, सर्कुलेशन मोशन पे हमें घुमाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पैरासूट ऑयल की। तो ये हमारे मॉइस्चर के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है। बात करती हूँ इसमें हल्दी की। तो हल्दी हमारी बॉडी के लिए नेचुरल ग्लो होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। बात करती हूँ ऑरेंज पाउडर की। तो ये क्लीन रखता है हमारी बॉडी को सॉफ्ट रखता है। और बात करती हूँ मैं इसमें कॉलिन क्ले की। तो कॉलिन क्ले जो है हमारे स्वीट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये हमारी बॉडी डर्ट को रिमूव करता है, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सही है। बात करती हूँ मैं राइस की। तो राइस हमारी बॉडी को वाइटनिंग की प्रॉपर्टी देता है, ये बॉडी को व्हाइट करता है, हमारे टैन को रिमूव करता है, जो हमारे धूप से टैनिंग उसको रिमूव करता है। इसको हम अपने कोहनी पे, हाथ पे, पैरों पे, अपने टमी के आसपास, अपने बैक पे, कहीं पे भी इस पेस्ट को अच्छे से रगड़ सकते हैं। सर्कुलेशन मोशन पे इसको अपनी बॉडी पे मसाज करनी है, अपने फिंगर्स पे अच्छी तरह से इसको मसाज करना है। इसको हम नहाने से पहले भी यूज़ कर, इसको हम नहाने से पहले, हम जो बाथ लेते हैं उससे पहले हम इस स्क्रब को अपनी बॉडी पे लगाएंगे, तो नहाते हुए ये स्क्रब अच्छे से हमारी बॉडी से निकल सकता है। तो हमें इसको हमेशा नहाने से पहले यूज़ करना चाहिए सर्कुलेशन मोशन पे। तो गाइस, इस पेस्ट को आप जरूर यूज़ कीजिए। इसको थोड़ा अच्छे से रगड़ने के बाद इसमें ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट इसमें अच्छे से इसको मालिश करनी पड़ती, स्क्रब करना पड़ता है। उसके बाद हम इसे वॉश कर सकते हैं, आराम से नहा सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी स्क्रबिंग हो चुकी है और हम पूरी बॉडी में स्क्रब कर चुके हैं। ये मेरे हैंड देखिए, मैंने अपने हैंडों पे स्क्रब करके आपको दिखाया था डेमो। तो स्क्रब हम वीक में यूज कर सकते हैं, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, पर हम स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को स्क्रब करते हैं, वाइटनिंग करता है, इस हमारी डर्ट को निकालता है। तो ये बहुत ही औसम पैक है। तो हम इस समय फेस्टिवल आने वाले हमारे करवा चौथ और दिवाली, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तो ये पैक हमें जरूर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल मेरे वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।